तो हाय गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, ये है फेम क्रीम ब्लीच गोल्ड। तो स्पेशल गोल्डन ग्लो विद 24 के गोल्ड डस्ट है इसमें। तो ये बहुत ही कम रेंज में मिल गया और सबसे मिनी, सबसे मतलब छोटा पैकेट है ये। एक ही बार में लगा के आप यूज कर लो। और रात में ब्लीच करना क्यों अच्छा होता है? क्योंकि दिन में अगर आप ब्लीच करोगे ना तो धूप से बचना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही ब्लीच से फेस आपका थोड़ा सा ऐसी हो जाता है, जलन जलन टाइप का लगता है, धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता ब्लीच करने के बाद में। तो इसीलिए रात में आपको ब्लीच करना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह का है, ये है, ये दिया है, क्या है, घास कटाता नहीं है, देखे होंगे आपको, जिसके घर में कटाता है उसको पता है, मेरे घर में भी कटाता है, मेरे पापा काटते हैं, तो वैसे ही है। तो इससे क्रीम आप अप्लाई करोगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या करोगे, इसे हटा भी सकते हो। तो 15 मिनट आपको रखना है इसको अप्लाई करने के बाद, अप्लाई करने का था। तो सावली स्किन पे ना ज़्यादा ये सूट करता है, ठीक है। ये छोटा सा है, एक्टिवेटर है। तो सावले स्किन वाले जो भी ब्लीच करते हैं, जिनको जल्दी सा आपका फेस में फेशियल कराने का टाइम नहीं है, तो ब्लीच बहुत ही आसान है, इसको तुरंत कर लीजिए करने के बाद। आप उसके बाद देखिए जल्दी रिजल्ट देता है ब्लीच, ये देखिए। तो मैं चाहूँ तो इसको पतला लेयर में मेरा स्किन में के छाएंगे ना, ये कोई प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम तो ये मेरे पास कांच का बॉल है, इसी में मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। ये क्रीम को लूँगी, है ना, क्रीम को लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, फेयर स्किन है तो ज़्यादा नहीं कर यूज करना है, ऐसे ही आपका स्किन साफ है। ये लगाने से थोड़ा फेस पे अजीब रौनक आ जाता है, साफ दिखने लगता है। खैर मैं बता रही हूँ, अगर आपका स्किन थोड़ा सा डार्क में है या बहुत ज़्यादा डार्क में है तो बहुत अच्छा है। आइए देखिए, एक्टिवेटर है, इसको पूरा नहीं डालेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में मैं अप्लाई करने वाली हूँ, खुल ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे पैकिंग हुआ। हाँ, एक बात और बता दूँ आप लोगों को, ये घर पे ब्लीच कर सकते हैं आप, एकदम सेफ है। तो ब्लीच करने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले फेस को क्लीन कर लेना होगा, फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद सादा पानी से फेस को धो लीजिए। तो इसी में है गोल्ड डस्ट, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, आप देख लीजिए, हाथ क्या कर, कैसे अप्लाई कर, हाथ में लेके अप्लाई, हाथ में ढाक कर रखते हैं, इतना देखिए इतना पौड़ा मैं और ले सकती हूँ, कितना सहायक दिख रहा है। इसको मैं मिक्स करूंगी, इसी को बोलते हैं गोल्डन डस्ट, इसमें मिक्स में तो रहता है आपका। अब इसमें मैंने डाल दिया, अब इसको ये है, इसको मिक्स करूंगी, पूरा एकदम मिक्स कर देना है ताकि कोई भी इसमें कण ना रह जाए, एकदम क्रीमी टेक्सचर में सब आ गए। एकदम मैं जैसे हाथ कपड़े में पोछा जाता है ना, मैं वैसे अप्लाई करने वाली हूँ, एकदम एक भी छोटा सा भी रहने नहीं दूंगी, एकदम बर्तन साफ कर दूंगी, खाने से मैं जैसे बर्तन चाट चाट के साफ किया गया था। चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, और इसको थोड़ी देर फूलने देना है, जो भी ड्राई था ना, एम क्या ये एक्टिवेटर पाउडर वाला है, थोड़ा मोटा है, तो क्रीम में डालोगे तो थोड़ा सा थोड़ी देर मिक्स करके छोड़ दो ताकि फूल जाए, उसके बाद अप्लाई करो। तब तक चलिए हम लोग क्या करते हैं, फेस क्लीन कर लेते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं। तो फेस वॉश कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास
क्लींजर था, ठीक है। क्लींजर है, इससे मसाज करूंगी चारों तरफ। मसाज करने के बाद मैं गीले रुमाल से पोंछ लूंगी। तो फेस क्लीन हो चुका है मेरा, देख सकते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको कि आंखों के आसपास नहीं अप्लाई करना है, आईब्रो पे नहीं भी अप्लाई नहीं करना, हेयर में भी, ये लंबे हेयर में नहीं जाना चाहिए, कैसे कि गोल्डन कलर हो जाएगा गोल्डन कलर हो जाएगा ब्लीच हो जाएगा सुखा देते। तो इसको मैं फिंगर की मदद से भी मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। इसको फिंगर की मदद से भी देखिए दिख रहा है पतली तो धूप में रह रह के आपका फेस काला पड़ जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो ब्लीच लगाने का, ठीक है दोस्तों। इसको 15 मिनट रखना है, ठीक है, 15 मिनट तक ड्राई हो जाएगा। अभी से ही काम कर रहा है, एकदम जलन टाइप का हो रहा फेस, ठीक है गाइस। 15 मिनट के बाद मिलती हूँ, रिमूव करूँगी तब मिलूँगी, ओके। तब तक खाना वाना खा लो, आप नाश्ता वास्ता कर लो, अगर सुबह में वीडियो देख रहे हो तो चाय पानी नाश्ता सब पी लो खा लो, और दोपहर में देख रहे हो तो खाना डिनर कर लो, लंच कर लो, जो भी करते हो आप कर लो। यहाँ का ड्राई हो चुका है, मतलब सूख चुका है, तो काम इधर का नहीं सूखा हुआ है, यहाँ बस कहीं कहीं का सूख गया है। बहुत अच्छे से काम कर रहा है, खुजली हो रहा है, चमन कर खूब खुजला है। अगर हेयर रहता है ना जैसे रूआ, वो भी गोल्डन कलर हो जाता है ये अप्लाई करने से, ब्लीच अप्लाई करने। अब इसके बाद जितना निकलता है ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रुमाल लेके, गीला रुमाल लेके पोंछ लेना है। पोंछने के बाद आपको क्रीम रोज वाटर से आपको फेस को भिगा लेना, मतलब स्प्रे वाटर से। उसके बाद क्या करना है, क्रीम लगा के मसाज कर लेना है। तो इसको मैं रिमूव करूंगी, और जो थोड़ा सा बच गया है उसको मैं नेक पे किसी दिन अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो ये रहा पूरा फेस क्लीन करने के बाद, साफ तौली से मैं पोंछ रही हूं, ये रहा रिजल्ट। यकीन मानिए, जहाँ आपका पतला स्किन है ना, यहाँ आंखों के पास आपका पतला स्किन है, यहाँ लगाओगे ना, लगाना भी मत। इतना दूर मैंने अप्लाई किया तब मेरे आँख से पानी मतलब आ रहा था, जलन हो रहा था। इसीलिए पार्लर में करवाया जाता है, जानते हैं कि उस समय आपका आँख बंद रहे, काम करने वाला अपना। देख रहे हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया फेस पे, एकदम फेयर हो गया है स्किन मेरा, सावला स्किन में और अच्छा रिजल्ट आता है, दिखाता है। और मैं बताती हूँ, मेरा जितना भी फेस में हेयर है गोल्डन कलर का हो गया है। हाँ देख, हाँ तो ये क्रीम है, इसको मैं अप्लाई करूंगी, कैसे खुला नहीं ना छोड़ सकती। बड़ी जलन हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई मर्चा रगड़ दिया फेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सूट करना नहीं, सूट कर गया। तो इस तरह का जलन हो ना आपका फेस में, तो
तुरंत वहां से हटवा के देख लीजिए क्रीम, ज्यादा नुकसान नहीं ना हो रहा। बिना फिल्टर का है ये फेस, तो देख सकते हैं गाइस मेरे फेस पे किस तरह ग्लो आ गया है और शाइन कर रहा मेरा फेस और ब्राइटनिंग भी दिखा रहा है एक राज के बाद। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों मित्रों के साथ। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। बाय।